बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ और मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी का नाम है कोफ्ता कबाब विथ पराठा पूड़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक मीडियम प्याज ली है और पासले लिए, पासले नहीं है तो आप इसकी जगह हरा धनिया भी ले सकते हैं। इनको मैंने चॉप किया है, सिंपली कट करके इसको मैंने चॉप कर दिया अच्छी तरह से। कीमा मेरे पास आधा किलो है, इस पे मैंने डाला है पेपरिका पाउडर 1 चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच और काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच। आधी चमची लाल मिर्च मैंने ऐड की इसमें। नमक हसबे जायका, आपके टेस्ट के मुताबिक, और थोड़ा पिसा हुआ गरम मसाला मैंने ऐड किया है। इसमें मैंने गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच ऐड किया है, सिर्फ गार्लिक पेस्ट, और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएंगे। कबाब बहुत सिंपली है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद मैंने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड किया है इसमें। पिसा हुआ ये पास्ते और प्याज, इसको भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इसको मैंने ग्राइंडर में चॉप नहीं किया, इसको मैंने इसी वेजिटेबल बोर्ड में ही सिंपली सा चॉप कर दिया था। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा 10 मिनट के लिए आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए। कवर कर दें, 10 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ दीजिए। दस मिनट हो चुके हैं, इसको मैं मिक्स करूंगी अच्छी तरह से। और इसको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको ओवन में रखें, और एडिशनल अगर आप चाहें तो इसमें दम पे कोयला रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं हरी मिर्चें बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी, इसको मैंने बहुत लाइट मसाले में बनाया है, बहुत इसके स्पाइस बहुत तेज़ नहीं रखे। ये मसाला मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको फिर आधे घंटे के लिए रखना होगा। 1 चम्मच लेमन जूस ऐड करना है इसमें और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख दें। जी जनाब, आधा घंटा गुजर चुका है और मैं इसको खोल के चेक करूँगी। बिल्कुल ये इसमें मसाला हर चीज़ ऐड हो चुकी है, लेमन जूस भी उसकी मैंने जब्स कर लिया है, ऑयल भी और तमाम मसाले भी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। मेरे पास मेटल की तो सीख कबाब स्टिक नहीं है, वुड वाली है, मैं उसी में ही इसको बनाऊंगी। हल्का सा हाथ पे पानी लगा के इसको बॉल की शेप में, कोफ्ते की शेप में बनाएंगे, और नॉर्मली मीडियम साइज़ की स्टिक है ये, और इसमें 1 से 2 आराम से, 2 से 3 हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 2 डालूंगी कबाब, कोफ्ता कबाब।
वीडियो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। और मैं चाहती हूँ मैं बड़े इजी स्टेप वाले खाने मज़ेदार किस्म के लेकर आऊँ, जो बहुत रीज़नेबल में, ये नहीं हो कि हर चीज़ एक्सपेंसिव ही डाली जाए। ये तमाम चीज़ें आप लोग घर में भी कर सकते हैं। ये देखें मैंने एक स्टिक में दो दो रखे हैं। और मैं इसको पैन में ही बनाऊंगी हल्की आंच पर। इसके आप हरी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, साथ में प्याज सलाद। और इसके साथ मैंने एडिशनल डाला है पूरी पराठे का, तो उसकी रेसिपी भी इसके साथ ही है। ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और मैं इसको 10 मिनट के लिए ऐसे इसको छोड़ दीजिए। पैन मेरा ये ऐसे है, मैंने बारबेक्यू के लिए ये पैन रखा हुआ है, और इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, 1 से 2 चम्मच डालने हैं आपने इसमें, क्योंकि ऑलरेडी कोफ्ते में भी ऑयल है। इसको मीडियम फ्लेम में इसको पकाना है। एक साइड आप इसको 5 से 8 मिनट ले सकते हैं आराम से। देखें जी दोनों साइड से बिल्कुल पक चुके हैं, और मैंने इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे, सेम लाइट सी हल्की आंच पे इसको मैंने ढक दिया, थोड़ा स्टीम में ये और सॉफ्ट हो जाएंगे। माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं, आप इसको थोड़ा चेक कर सकते हैं, आप से देख सकते हैं इसका रंग चेंज हो चुका है और दोनों साइड से ये पक गए हैं। को निकाल के रख दें आराम से। आप इसको चाहें तो हॉट पॉट में भी रख सकते हैं ताकि वो सही से गर्म रहे। मज़ेदार किस्म के कोफ्ता कबाब रेडी हैं, और मुझे पूरी में अल्हम्दुलिल्लाह कबाब रेडी हो चुके हैं। तो आ जाते हैं हम इसमें प्रिपरेशन ऑफ पूरी पराठा के लिए। इधर मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 कप आटा लिए नॉर्मल वाला, और 2 चम्मच सूजी इसमें मैंने ऐड की है, और इसमें नमक हसबे जायका 1 चम्मच छोटी, और चुटकी मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी इसको डाल सकते हैं। और इसको नॉर्मल पानी से गूंदना है, गूंदने के बाद इसको आधे घंटे के लिए आप इसको रख दीजिए। और आपको ये पराठे की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसको चाहे तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर चाहे तो तवे में बना सकते हैं। मैं इसको तवे में बनाऊंगी कम ऑयल में।
ऑलमोस्ट सेम जैसे पूरी बनती है उस तरह ही बनेगा ये। आटा गूंद लिया है और नॉर्मल जो हम चपाती पराठे के लिए आटा गूंदते हैं वैसे इसको गूंदना है हमने, और इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख दीजिए। आधे घंटे बाद देखें आटा बिल्कुल सॉफ्ट है, ज़बरदस्त इसका मटेरियल तैयार हो चुका है पराठे का। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इसको चाहें तो पूरी की तरह भी तल सकते हैं और पराठे की तरह भी इसको बना सकते हैं, तो मैं यहाँ इसको पराठे की तरह ही बनाऊंगी। देखिए आटा सॉफ्ट है, इसको आराम आराम से बेल लीजिए आप। और इसमें एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ज़्यादा इसमें खुश्क आटा मत लगाइएगा। हल्का सा हाथ में ऑयल लगा के इसको और आप पतला कर लें। तवा ऑलरेडी मैंने गरम हल्की आंच पे रखा हुआ है और इसमें हल्का ऑयल लगाया हुआ है, तवे भी मैंने मुझे उम्मीद है आपको मेरी पिछली तमाम रेसिपी पसंद आई होंगी और ये रेसिपी भी आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। जनाब ज़बरदस्त किस्म का पराठा रेडी हो रहा है। ये देखिए लाइट गोल्डन हो चुका है पराठा। मेरी और रेसिपीज को देखने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें चैनल, बेल का बटन दबाइए। जो भी रेसिपीज मैं अपलोड करूँगी वो आपको मिलती रहेंगी। ये देखिए पराठा बिल्कुल मैंने हल्की आंच पे ही इसको पकाया, मीडियम ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम आग पे ही इसको रखे बनाएंगे। जी जनाब माशाल्लाह से पराठा रेडी हो चुका है, बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा, आपको और रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। पराठे के साथ
मैंने हरी चटनी का ऑप्शन रखा है साथ में, अगर आप चाहें तो इमली की चटनी भी रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।